बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 6 महीने होने वाले हैं। इसी बीच सुशांत को लेकर अभिनेता नीतीश भरद्वाज ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उनके फैंस नाराज हो गए हैं। दरअसल फिल्म निर्माता अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान लीड रोल में थे। फिल्म के 2 साल पूरे होने के मौके पर ई टाइम्स ने नीतीश भरद्वाज से बातचीत की। इस फिल्म में नीतीश भरद्वाज सारा अली खान के पिता के किरदार में थे। नीतीश भरद्वाज ने सुशांत और सारा के साथ अपने काम के अनुभव को साझा किया है। फिल्म में अपने किरदार पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं केदारनाथ में पिता का किरदार निभाया था। जिस तरह से पंडित बृजराज मिश्रा का किरदार लिखा गया था, वह एक बहुत ही विशिष्ट रूढ़िवादी पिता थे जो अपने मूल्यों को लेकर अड़े हुए थे। जब सारा के साथ काम को लेकर उनसे पूछा गया तो नीतीश भरद्वाज ने कहा, एक सीन था जहां मुझे सारा को थप्पड़ मारना था, तो सारा बहुत कमिटेड डेब्यू करने वाली थी और वह चाहती थी कि मैं उन्हें सच में थप्पड़ मारूं। वह अभिषेक कपूर को भी बताना चाहती थी कि मेरे लिए उन्हें थप्पड़ मारना क्यों जरूरी है, ताकि वह और बेहतर बन सके। अभिषेक ने मुझे कहा, सर उसको एक तमाचा मार दीजिए। मैंने आखिरी क्लोजअप शॉट तक ना ही कहा। मैंने सारा को डांट भी रहा था ताकि शॉट से पहले मेरे और उनके बीच तनाव पैदा हो सके। उन्होंने सुशांत पर बात करते हुए कहा कि थप्पड़ मारने की एक और याद मेरे सामने आ गई, क्योंकि सारा को फिल्म में थप्पड़ मारने के साथ साथ मुझे सीन में सुशांत को भी थप्पड़ मारना था। वो आगे कहते हैं, जब हम मुंबई में शूटिंग कर रहे थे तो मुझे याद है कि अगली सुबह सुशांत मेरे घर आए थे और जैसे हमारी रिहर्सल चल रही थी, मेरा मन किया कि उन्हें घर से बाहर फेंक दूं। तो हुआ क्या था, मैं एक तरीके से रिहर्सल कर रहा था और सुशांत ने एक दूसरा तरीका बताया, क्योंकि उन्हें वो रिएक्शन नहीं मिल पा रहा था जो चाहते थे। आखिर में अभिषेक कपूर ने मेरे वाले तरीके को मंजूरी दे दी तो सुशांत मुझसे परेशान हो गए और मेरे साथ उनकी छोटी सी तकरार भी हो गई। इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताया। एक वरिष्ठ अभिनेता के साथ ऐसा करना मुझे सही नहीं लगा। हालांकि मैंने उन्हें केवल इतना ही कहा कि मैं वही करूंगा जो मेरे डायरेक्टर मुझसे करने के लिए कहेंगे, और उनसे कहा कि आप क्यों नहीं डायरेक्टर को ही अपने तरीके से काम करने के लिए मना लेते हैं। नीतीश भरद्वाज ने कहा, आखिर में हमने शॉट दिया और सुशांत मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिए। वो कह रहे थे, मुझे माफ कर दें सर, मैंने क्यों बोल दिया ऐसा, सॉरी, मुझे आपको वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो वो काफ़ी प्यारा लगा। तो उसी समय किसी ने हमारी तस्वीर ले ली जिसमें मैं कुर्सियों पर बैठा हुआ था और ऐसे सार मेरे साथ थे। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।